नमस्कार, आप देखे राजधानी समाचार। भोपाल के हम जमहूरी मैदान में और जहां प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है वहां हम पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम स्थल पे तमाम वो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख सकते हैं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी आ रहे हैं, कुछ पार्टी से जुड़े लोग भी आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ युवा इनसे बात करेंगे, कैसे देखते हैं मध्य प्रदेश में 2018 में सरकार भाजपा नहीं बना पाई थी, क्या बड़े कार्यक्रमों से भाजपा इस बार बना पाएगी सरकार? बिल्कुल, भाजपा की सरकार बनेगी इस बार। कहाँ से आया, पूरा नाम? खरगोन जिला कसरावत तहसील जी, नाम मोहित धनगर। देखिए, महंगाई बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है जो गूंज रहा है, तो महंगाई बेरोजगारी पे क्या कंट्रोल कुछ हुआ है मध्य प्रदेश में? नहीं हुआ। महंगाई तो जैसे आती जाएगी वैसे बढ़ती जाएगी। क्या लगता है आप लोग मध्य प्रदेश में? देखो, बेरोजगारी पे तो एक है पूरे देश में, लेकिन बेरोजगारी है कि नहीं बताओ? बेरोजगारी है, लेकिन एक तरफ से युवाओं की तरफ से भी बेरोजगारी है। उसका कारण है कि सभी युवाओं को सरकारी ही नौकरी चाहिए। अच्छा। सभी युवाओं को सरकारी ही नौकरी चाहिए, ऐसी कोई सी सरकार नहीं इतिहास में आएगी जो कहा सके। प्राइवेट भी तो कंपनी नहीं है ज्यादा। प्राइवेट में मैं बताता हूँ, मैं खुद प्राइवेट में 3 जॉब छोड़ चुका हूँ। मतलब मैं अकेला चाहते कि सरकारी नौकरी मिले। जी बिल्कुल, हर कोई चाहता है, मैं भी चाहता हूँ। तो यह कह सकेंगे कि एक बेरोजगारी युवाओं के तरफ से है कि सबको सरकारी नौकरी चाहिए। प्राइवेट में बहुत स्कोप है, प्राइवेट में भी जॉब है। प्राइवेट में अगर हम करना चाहें तो बहुत अच्छे से बेरोजगारी घट सकती है। मैं यही कहना चाहूँगा बेरोजगारी के मुद्दे पे। क्या लग रहा है इस बार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मोदी जी आए हैं, क्या माहौल है और क्या जो इस बार एक चेहरे बदलने की मांग उठ रही मध्य प्रदेश में, सीएम का चेहरा बदला जाए, क्या क्या लगता है सच में कोई दम है कि नहीं इस मांग में? ये तो आप भी जानते हैं, मोदी जी हैं तो हर काम मुमकिन है। शिवराज जी की सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हर वर्ग की चिंता की है और पुनः एक बार मोदी जी के आशीर्वाद से फिर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। मध्य प्रदेश में लेकिन चेहरा बदलने की मांग क्यों उठ रही है सीएम का? ये हमारा विषय नहीं है, पार्टी का विषय है। हर एक कार्यकर्ता शिवराज और मोदी है, जो भी बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। क्या लग रहा है इस बार तमाम योजनाएं लाडली बहना का कितना असर पड़ेगा मध्य प्रदेश में? 100% तो लेकिन वो भी नारी सम्मान योजना लेके आ गए कांग्रेस वाले, तो देख आ रहा है, हमने तो दिए जो बोले सो किए, उनने बोल के दिए कहाँ, ना उनकी सरकार है ना उनको देना है। पिछले बार भी कमलनाथ की सरकार आई थी, सारे लोगों को ने ये झूठे वादे करके अपनी सरकार लिया, 1.5 साल में सरकार चली गई, सारी जनता परेशान हुई और पुनः भाजपा की सरकार बैठी और फिर मध्य प्रदेश में खुशहाली आई। देखा जाए, एक तरफ है जन आशीर्वाद यात्रा का समापन है, दूसरी तरफ कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकाली, कैसे देखते हैं दो बड़ी यात्राएं? देखिए, उनकी कोई यात्रा नहीं है, वो तो उनकी मानसिक दिवालियापन का आक्रोश, मतलब मानसिक दिवालियापन का आक्रोश है वो सिर्फ और सिर्फ। महंगाई बेरोजगारी का जो मुद्दा है मध्य प्रदेश में, कैसे देखते, कुछ है मुद्दा कि नहीं? अरे काय का बेरोजगार, काय का बेरोजगार? अरे बेरोजगार नहीं, रोजगार होगा चालू, रोजगार नहीं है। किसान इतने चंगे हैं शिवराज सिंह के राज में, तो पानी की धार वहाँ फेंक रही नहीं, ऐसी फेंकती बिजली दी दो, 24 घंटा बिजली मिल रही है पानी। शिवराज सिंह कांग्रेस वालों घर बैठो आराम से सो, कुछ नहीं है उनके पास, न कोई आज से कमलनाथ ने क्या क्या वायदा और नहीं कर पाओ कछु, कर्जा माफ नहीं करो, 10 दिन गए और भग्गा साहब कहीं कुछ नहीं मिला, और शिवराज सिंह ने भी 2000 उनके ही मित्र से उनने कह दी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी महाराज से, उनने विरोध किया कि भैया अपने वायदा करो, तो उनने कही तुम तो घर बैठो अभी कोई वायदा नहीं है, भैया के परेशान हो। भाजपा के जो नेता विधायक है कांग्रेस में क्यों जा रहे हैं? अरे ऐसे तो मुझके भाग रहा है, ये खा भी नहीं मिल रहा। शिवराज सिंह है, देखो शिवराज सिंह ने तहलका मचा था, अरे कुछ नहीं है, आते जाते रहते वो सब शांत हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन की पार्टी और रहेगी और है। भैया लेकिन मोदी का जो महिला आरक्षण बिल लेके आई है, इसमें ओबीसी महिलाओं को आरक्षण ना देके बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या काम करते हैं आप? जी मैं स्टूडेंट हूँ सर। क्या मध्य प्रदेश में रोजगार है कि नहीं? रोजगार क्या रोजगार है, पटवारी में घोटाला कर रखा है, हर चीज में घोटाला, इस चीज को उनको देखना चाहिए, जांच कराना चाहिए। और यहाँ तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अरे दावे से कुछ नहीं होता है, दावे करते रहेंगे भाई। मैं युवा क्या मध्य प्रदेश का युवा क्या चाह रहा है? युवा को नौकरी चाहिए,
रोजगार के अवसर होना चाहिए, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती है उस सब थोड़ा अंकुश लगाना चाहिए। क्या चाह रहा मध्य प्रदेश का युवा, क्या चाह रहा मध्य प्रदेश का युवा? चाह रहा है कि बीजेपी की सरकार बने फुलफाल और पूर्ण बहुमत अच्छी बने। लेकिन महंगाई बेरोजगारी तो है, महंगाई महंगाई चलती रहती है। महंगाई में क्या है, कोई दिक्कत नहीं आपको? कोई दिक्कत नहीं है। एमपी एमपी में कहा? राजगढ़ जिला। कौन तहसील से आए? खिलचीपुर तहसील। क्या वहाँ कुछ, वहाँ तो कांग्रेस के विधायक है? लेकिन हाँ कांग्रेस का विधायक है, नहीं हमारा जीत पा रही है। भाजपा के सरकार बनाएंगे। प्रत्याशी में खींचा तानी चल रही है ना। हाँ। किसको मिलेगी टिकट? आपके मार साहब मान नहीं रहे। मार साहब को मिलेगा टिकट? हजारीलाल जी मार साहब। क्या भैया क्या लग रहा, आप खिलचीपुर से हैं क्या? क्या है, किसका नाम चल रहा है वहाँ? हजारी मार साहब का ही चल रहा है, हजारीलाल दंगी। कुछ लोग और भी तो मांग रहे हैं टिकट। तो मांगने से क्या होता है, काम तो वही अच्छा कर रहा है। नहीं आपकी पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं मार साहब तो बुजुर्ग हो गए, उनको नहीं वो तो है न, बहुत अच्छा काम कर रहा है। 5 साल से लगातार पब्लिक से मिल रहा है, जुल रहा है, सबका अच्छा कर रहा है। इस बार क्या जीत जाएंगे खिलचीपुर? पक्का जीत जाएंगे, बहुत वोटों से जीत जाएंगे। क्या हाल है, कहाँ से आए हम लोग? शहडोल जिले से आए, युवा मोर्चा में काम करते हैं। क्या युवा मोर्चा की क्या है, युवा मोर्चा में कितने लोगों को टिकटें मिलेंगी इस बार? देखिए निश्चित तौर पे हमेशा ही जो कार्यकर्ता योग्य होता है, चाहे युवा हो चाहे वो वरिष्ठ हो, उसको टिकट पार्टी जरूर देती है। यह भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर परिवारवाद नहीं चलता, कांग्रेस जैसे खरीद फरोख्त नहीं चलती। यहाँ पर जो योग्य व्यक्ति होता है उसको टिकट जरूर दी जाती है। तमाम लोग हैं, तमाम जिले से आ रहे हैं, हम लोगों से बात करेंगे। कुछ महिलाएं आई हैं, अम्मा इधर आइए। अम्मा कहाँ से आई हैं आप? हम भोपाल श्याम विठल मार्केट श्याम नगर। क्या है इस बार माहौल मत भोपाल का, जनता किसे चाह रही, भाजपा को कांग्रेस को? भैया मैं कोई की पेट की कैसे कह दूं बेटा। अच्छा लाडली बहना के पैसे आ रहा है बेटा? आपको आ रहे? आपको आ रहे? हमको नहीं आ रहा है। आपको भी नहीं आ रहा? लाडली बहना के पैसे नहीं आ रहे? नहीं हमारे इसलिए नहीं आ रहा क्यों हमको नहीं मिलते। हमारी बहनों जो है उनको आ रहे हैं, हमको नहीं आ रहा। आप बहना नहीं है? अम्मा इधर आइए, अम्मा इधर। तमाम लोग हैं, बात करेंगे, तमाम लोग पहुँच रहे हैं। क्या इस बार क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में आपको? इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे बहुमत के साथ आने वाली है, और आज आप देख रहे हो ये नज़ारा, आज आप जो नज़ारा देख रहे हो, इस नज़ारे को आप देख करके खुद शिवराज को सुनने आए हैं कि प्रधानमंत्री को पहले बताइए? ये शिवराज जी और प्रधानमंत्री दोनों को सुनने के लिए आए हैं। मध्य देश के दिल में मन में मोदी ही मोदी है, मोदी के अलावा और कुछ भी नहीं चलेगा। फिर भी यहाँ भाजपा के कई विधायक पूर्व विधायक क्यों कांग्रेस में जा रहे हैं? ऐसा है ये क्यों छोड़ के जा रहे हैं, क्या स्थिति है आपको? इधर क्यों जा रहे हैं? इधर से। तमाम लोग हैं जो हमें गेट पे हैं, आप देख सकते हैं। कुछ नेता आए, हम इनसे बात करें। कहाँ से आए, क्या नाम है? मैं महगांव विधानसभा क्षेत्र जिला भिंड से आया हूँ, और मध्य प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार फुल बहुमत से बनने जा रही है, और जो हमारी विजय संकल्प यात्रा थी उस संकल्प यात्रा का समापन है। दीनदयाल जयंती के मौके पर आज देश के प्रधानमंत्री आए। सवाल हो जाए, जो शिवपुरी की जो कोलारस विधायक हैं वीरेंद्र रघुवंशी, उनने कांग्रेस में गए हैं भाजपा छोड़ के, आप उसी क्षेत्र से आते हैं, क्या माहौल है उनका? देखिए ऐसा है, ये आने जाने का समय चलता रहता है, कुछ लोग भाजपा में जा रहे हैं, कुछ लोग कांग्रेस में जा रहे हैं, इसकी कोई बुराई नहीं है, जहाँ जिसका जैसा होता है वैसा। कई साथी भाजपा छोड़ के कांग्रेस में जा रहे हैं? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी सिंधिया जी का समर्थक हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ भाजपा के। दावेदारी कर रहे हैं? मेरी भी दावेदारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो भी निर्णय होता है उसको हर कार्यकर्ता मानता है, और फिर से भाजपा का परचम लहराएंगे मध्य प्रदेश के अंदर। जो सीटों पर जो प्रत्याशी घोषित किए हैं उन पे कई जगह बहुत विरोध है। कोई विरोध नहीं है, छोटा मोटा विरोध। मीना चाचौड़ा से पार्टी छोड़ के चलेंगे आप करके विरोध? देखिए ये छोटा मोटा विरोध सब जगह चलता है, कार्यकर्ता देखिए कार्यकर्ता को सबको मनाने काम करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का परचम पूर्व बहमो से लहराने वाला है, छोटी मोटी नाराजगी सब जगह चलती है। विधानसभा से आए हैं, इनने बड़ी बात कही है कि सरकार मध्य प्रदेश में शिवराज की बनेगी, छोटा मोटा चलता रहता है। रिपोर्ट जमुई मैदान भोपाल। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन. Never miss an update.